क्या राजनीति दिशाहीन हो चुकी है, जहां बातों की, बयानों की कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है? तो उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में इस बार बदजुबानी के सियासी मायने समझने के लिए हमने इंडिया 24/7 के एडिटर पासेंद्र मिश्र से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि इस समय जितने भी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं, वे न तो अपनी सरकार की उपलब्धियों पर वोट मांग रहे हैं, न अपने गवर्नेंस और डेवलपमेंट के एजेंडा पर वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने पॉजिटिव इश्यूज पर वोट मांगने पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी जब वे डेवलपमेंट की बात करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात करेंगे। तो शायद यही कारण है कि एक बार फिर ये सभी प्रमुख राजनीतिक दल गैर जरूरी मुद्दों को उछाल के जनता को मिसलीड करना चाह रहे हैं और जनता को बहकावे में लाकर वोट पाना चाह रहे हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये तीनों राजनीतिक दल चुनाव घोषणा के पहले तक बड़े बड़े वायदे करते थे। कोई विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहा था, कोई मैनिफेस्टो जारी कर रहा था, लेकिन जब चुनाव धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता गया और अब 2-3 फेज का मतदान हो चुका है, बाकी फेजेज में मतदान होने हैं, तो ये सभी राजनीतिक दल अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है या जो विजन डॉक्यूमेंट है उससे अलग फिर एक बार ध्रुवीकरण करने में जुट गए हैं और सब के सब कहीं जातीय समीकरण, कहीं सांप्रदायिक समीकरण को बैठाने में लगे हैं और उससे भी जब इनको लग रहा है कि फायदा नहीं होगा तो एक कदम आगे बढ़ के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अब शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि वह जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है उनकी प्रतिबद्धता डेवलपमेंट, गवर्नेंस, भ्रष्टाचार विरोधी शासन के बजाय जाति और संप्रदाय और इसी तरह के छिछले मुद्दे हैं उन्हीं के प्रति है और उन्हीं मुद्दों को लेके वो एक बार फिर सत्ता में पहुंचना चाह रहे हैं। जब से देश में मंडल और कमंडल की राजनीति की शुरुआत हुई तब से हम कह सकते हैं कि अम्ब्रेला पॉलिटिक्स या सबको साथ लेकर चलने की जो राजनीति थी उसका धीरे धीरे खात्मा हो गया और मंडल और कमंडल की जो फोर्सेस थी जिसका नेतृत्व एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती सरीखे नेता कर रहे थे, इन लोगों ने पूरी तरह से देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति और संप्रदाय में बांट के रख दिया और शायद यही कारण है कि हर बार चुनाव के पहले तो कहा जाता है कि इस बार उनकी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, अपनी सरकार की उपलब्धियों के को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनादेश हासिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन ज्यों ही चुनाव कैंपेन शुरू होता है और धीरे धीरे ज्यों ही तेजी पकड़ता है ये सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर अपने पुराने टेस्टेड फार्मूले पर ही वापस चली जाती हैं। इस बारे में हमने कई बार इनके दलों के प्रमुख नेताओं से बात की, चाहे उमा भारती हो, राजनाथ सिंह हो, मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, ये सब लोग चुनाव के पहले तक तो इस बात के पक्षधर रहते हैं कि चुनाव पॉजिटिव इश्यूज पर लड़ा जाना चाहिए, चुनाव डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन जब चुनाव प्रचार शुरू होता है तो ये उन सभी मुद्दों की तिलांजलि दे देते हैं और इसी तरह के लुभावने नारों के दम पर, इसी तरह के जज्बाती मुद्दों को उछालकर वोट हथियाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पॉजिटिव इश्यूज की बात करेंगे, पॉजिटिव मुद्दों की बात करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा जनता को जवाब देना, क्योंकि जनता तो फिर हिसाब मांगेगी, जनता रिपोर्ट कार्ड लेके बैठेगी, इसलिए जनता को मिसलीड किया जाए और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाए।